सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो अभी आज हमारा लास्ट डे मनाली के अंदर और हम यहाँ पे अभी बहुत चिल वाइब में है, रिलैक्स कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि गाड़ी तो हमारी ज़्यादा कुछ वैसे भी तो पता ज़्यादा कहीं ऊपर जा नहीं सकती। तो जितना ऊपर का घूमने वाला था हमने कल कवर कर लिया था ऑलमोस्ट। सो अभी हम आज जो है बस मॉल रोड पर घूमेंगे, थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ट्राई करेंगे खाने की, जैसे कि इसको थुप्पा ट्राई करना है और साथ ही साथ इसको चिकन मोमोज खाने हैं, यहाँ पे बहुत सही मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे लोकल शॉप हैं जो कि हमने ढूंढी हुई है पहले, जब एक महीने मनाली आए थे जब, तो उन जहाँ पे लेके जाएंगे आपको भी दिखाएंगे और वहाँ जो है ट्राई करेंगे। अभी से उनका थोड़ा सा काम रह गया, वो कर रही है, मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी है, पब्लिक हो गई, यहाँ नेट बड़ा सही चल रहा है, मतलब अपने मोबाइल का ही एयरटेल, सो काम हो गया। तो अभी बस चलते हैं क्या, इसके पास में आके बैठ जाता है एक डॉगी है वो, और यहाँ की डॉगी ऐसा लगता है भालू हो, है शेर शेर। और मैं अपने महंगे वाले एयरपोर्ट्स में बहुत सुनता हूँ गाने। ये देख सिमन के पास आके बैठता है हमेशा। ये सिंचन का पापा है, सिंचन का पापा, हमने भी फाउंडर फादर। ये गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है और अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड उधर। आज मौसम सही है, धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है, तो कुछ खा के आते हैं। लगभग आज भी वही है, 1:30 बज गया और अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है, एडिटिंग एडिटिंग के चक्कर में, फिर सेवन का भी थोड़ा सा काम था इसलिए। डोंट ब्लेम सिमरन, ब्लेम योर डॉटर। क्या करा उसने? उसी ने करा जो कुछ करा है। वो दूध भी ना पिए क्या? पिए लेकिन फैलाए नहीं सारे में, अच्छे अच्छे कपड़े चढ़ा लेती है तुम्हारी लड़की, बहुत है उसके पास। भाई सबसे पहले तैयार हुआ था। तो भैया मॉल रोड पे एंट्री हो चुकी है, बाकी वैसे रात में आए थे हम खाना खाने, पर वो वाली वाइब नहीं है जो दिन में आती है ना, दिन में अच्छा लगता है। आज संडे पर संडे के हिसाब से भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। वैसे खाना इन दोनों का ही बढ़िया, चॉपस्टिक का भी और हिमालय ढाबा का भी, है ना। सो मॉल रोड के मंदिर के साइड से एक रास्ता जाता है, हम इस पर जाएंगे और ये साइड बस स्टैंड है। सो ये मार्केट है, यहाँ से हम यहाँ से वो लेके नहीं बेल्ट भी लेके जाते थे और खाने का भी आ गई है, जहाँ खाने जा रहे ना सब्जी वगैरह लेके जाते, और सब्जी भी यहीं से लेके जाते थे हम जब रहते थे एक महीने के लिए। एज यूजुअल दिवेश सिंह हमेशा की तरह मनाली में आके बेल्ट खरीद रहा है, और यहीं से है, यहीं से सेम प्लेस। तुमने भी खरीदी है? तो ये बेल्ट ले लिए और अभी हम सीधे चल रहे हैं, सीधे चलते जाएंगे। तो अभी हम वहाँ से हैं और इधर से हम जो है कभी कभी सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते थे, मैं और सेवन जब यहाँ एक महीने में रुके थे, याद है यहाँ से सब्जी वब्जी लेने आते थे वहाँ से अंदर गली में। हाँ चलो आगे चलें, और वहाँ से मॉल रोड से सीधा आने के बाद ये जगह है जहाँ पे ये लोकल शॉप है, बहुत पुरानी है और इन पर मोमोज वगैरह बहुत सही मिलते हैं, ये नाम भी है इनका तनी, ये शॉप। चलो हाँ, क्या खाया था? यहाँ मोमोज खाए हमने, चिकन मोमोज। हाँ चलो ट्राई मारते हैं, चलो तो ये है चिकन थुक्का, तो आज हम ये ट्राई करने वाले हैं। हाँ जी क्या हुआ? ये तो बोनलेस चिकन है। हाँ तो बोनलेस ही होगा इसमें। हाँ, फिर तो मैं खा सकती। तो भाई थुक्का भी खा लिया, नूडल्स भी खा लिए और चिकन मोमोज भी खा लिए, मज़ा आ गया। ये होता है कि ऑथेंटिक जगह से खाओगे तो ऑथेंटिक चीज़ खा। पर मेरे को सबसे अच्छा लगा ये वेज सूप ना, बढ़िया है। और पता है ये नूडल्स के साथ, मतलब चावल के साथ वेज सूप देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता होगा, ये थुक्का के अंदर तो आता ही है सूप जैसा, सो मज़ा आ गया। कैसा लगा भाई? मज़ा आ गया, पहली बार खाया मैंने थुक्का, बढ़िया था। मैंने भी पहली बार ही खाया, वैसे मैं पहली बार लास्ट टाइम खाने की सोच रहा था पर खा नहीं पाया था, क्योंकि बस मटन वाला था, मेरे को चिकन खाना था। हमने जो है ये वाली शॉप है यहाँ खाया था, इसमें ऊपर बैठ के डोल मास्कोन। चलो सही ना, ज़्यादा बिल भी कुछ खास नहीं आया ना, 390 में पता इतना कुछ खा लिया और क्या चाहिए। चलो भाई अब थोड़ा घूमते हैं। तो अभी पैदल पैदल घूमते घूमते आ चुके हैं हम मॉनेस्ट्री वाली रोड पे, अभी देखते हैं मॉनेस्ट्री खुली होगी तो अंदर जाएंगे।
रू रू भाभी अभी फोकस लॉक कर दो। कितना सही लग रहा है ये। हाँ ये बहुत सही नहीं बनाया। इसे रैंडमली कह दिया वहाँ से झांक के। हाँ वाओ। कौन सा होटल है? होटल चमन। चमन ही है भाई साहब, पूरा चमन खिला रखे इसने तो। अभी सूख गए इसके पत्ते। तो अभी मॉनेस्ट्री से हम लोग आ गए हैं और मॉनेस्ट्री में हमने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करवाए। मैंने भी करवाए। शेम तो रील बनवाया। मेरा तो एक भी क्लिक नहीं करा। ले मेरा एक भी फोटो नहीं। मैंने कितने फोटो खींचे यार तुम्हारे। वो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो थोड़ी देर में किसके पास जाएगा। एग्जैक्टली। और अभी हम जा रहे हैं रिवर साइड और हो सकता है कि वहां पे हम कुछ रील्स बनाएं और कुछ पिक्चर्स क्लिक करें। तो बॉयज एक्साइटेड? यस वेरी एक्साइटेड। ओके आज वैसे भी बहुत हम जो है सिंपल तरीके से बिल्कुल प्लेन धीरे धीरे आराम से घूम रहे हैं। तो अभी आज रिवर साइड देखते हैं और इस कलरफुल जैकेट में एक तो फोटो क्लिक करो। ओह माय गॉड व्हाट अ स्लैग। एक भी फोटो नहीं आया यार। ये झूठ है यार। सबसे ज्यादा फोटो इस लड़के के। मैंने अपने फोटो नहीं खिंचवाए सिंगल्स, अब जाके खिंचवाए सुबह। माया भानु पुल पे और ये लोकेशन हम पहले भी कई बार दिखा चुके हैं। मैं और सिमन जब यहाँ रहते थे हम पहले पहले घूमने आते थे ना। और यहाँ पे बहुत सही है। यहाँ से मतलब यहाँ बहुत सारे कैफे हैं। तो अगर देखोगे ना कैफे कह रहा हूँ मतलब कि वो कैंप्स हैं। देखो वहाँ पे भी बहुत सारे कैंप आपको दिख रहे होंगे। इधर भी है देखो ये कैंप है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर किसी को कैंप वगैरह में रहना है तो यहाँ भानु पुल साइड में आ सकता है। बहुत ही अच्छी जगह लगती है ठीक है ना। और साइड में रिवर वगैरह है, रिवर पर जा भी सकते हैं। वहाँ से हम कई बार गए भी हैं। तो अभी तो हम नहीं जा रहे हैं, अभी तो रूरू ने पॉटी कर लिया। तो हम जो है दोबारा होटल जा रहे हैं। बस यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखा रहा था मैं। अब यहाँ पहुँचे हैं तो अब बस वापस चलते हैं। वैसे भी अब अंधेरा हो गया है ना, ठंडा मौसम हो गया। तो रूरू के साथ यहाँ बाहर ज़्यादा घूमना सही नहीं है। कल भी आए थे वैसे यहाँ पे हम रात में। तो ये पुल बड़ा सही लगता है, इसमें गाड़ी से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लगता है। सोई अभी यहाँ से चलते हैं। हाँ चल ले, हमें बताया आपने पोटी कर ली है। चलो चले चले चलो। इसके गाल लाल हो गया आगे। बहुत प्यारा लग रहा है देखने में, क्यूट लग रहा है। लाल गाल हो चुकी है। हिमाचली सेम। चलो भाई कंफ्यूज हो गई क्या कर रहा थोड़ा हंस रहा है। तो अभी हमने अपना रूम चेंज किया है। उस वाले रूम में थोड़ी सी पानी की दिक्कत थी वॉशरूम में। सो अभी ये वाला रूम में। हाँ बढ़िया जा रहा है। तो अभी हमारा ये वाला रूम है और यहाँ से कुछ ऐसे व्यू आते हैं सामने। देखो क्या सही लग रहा है। और ये वाला जो एरिया ना, ये आई थिंक प्राइवेट एरिया है। ये जो इनका गार्डन है पूरा बहुत सही लग रहा है पूरा। इसको देख के ऐसा लग रहा है ऐसा एक घर होना चाहिए। ये पता है ऐसा है ये वाला एरिया। इस एरिया को देखो जो हम वहाँ रुके थे ना, बिनसर में रुके थे होटल में, शीतला खेत। हाँ वही वहाँ पे कैसा एरिया था, छोटे छोटे कॉटेज थे, गार्डन था। हाँ चलो चलते हैं नीचे। शैम्पू बैग से नीचे गिर गया। मैं इसके ऊपर कूदा था। कोई नहीं गाइस, हो जाता है कभी-कभी, कभी-कभी हो जाता है। इट्स ओके। बैग से नीचे गिर गया शैम्पू भाई। बाबू की जैकेट।